हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये लेमन ग्रास का प्लांट है जो कि कहीं ज़मीन पे लगा हुआ है। मैं थोड़ा बाहर गई थी, वहाँ पे जब मैंने इसे देखा, इसमें इतने ऊंचे ऊंचे इसके पौधे थे और ऊपर काफ़ी सारे बीज लगे हुए थे जो कि छोटी छोटी जैसे चावल के दाने होते हैं उस तरह के धान जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ मैंने इसमें से बीज इकट्ठे किए। छोटे छोटे अगर आपको पौधे लगाने हैं तो इनकी रूट से भी ये बड़े आसानी से लग जाते हैं। इनके पौधों को हम अगर लगाते हैं पॉट में तो इसमें से काफ़ी खुशबू आती रहती है और ये बहुत जल्दी घने हो जाते हैं। काफ़ी इसको अगर हम चाय में डालें तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। ये इसके बीज हैं जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं, ढेर सारे गुच्छों में एक साथ लेते हैं और जब ये नीचे गिरते हैं तो ज़मीन पे नए नए पौधे निकलते रहते हैं। मैंने वहाँ से इसलिए ले लिया कि ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं लगा के देखना चाहती थी कि इसमें से पौधे निकलते हैं कि नहीं। पहले मैंने कभी लगाया नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी किसी ने लगाया हो और आपको इसके बारे में मालूम हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा दिन तक मैंने इसे नहीं रखा क्योंकि फंगस लगने का डर था। काफ़ी सूखे हुए थे, सिर्फ 2-3 दिन मैंने इनको छाया में फैला के रखा और उसके बाद इनको लगाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने इनकी डंडियों में से बीज को अलग कर लिया जो कि इस तरह से दिखाई दे रहे थे और इनकी डंडियों में कुछ हरापन नहीं था, इसलिए उनको मैंने लगाया नहीं। कुछ डंडियां भी मैंने ली थी हरी, जिनको कि रूट्स की सहायता से लगाया है पॉट के अंदर, और मुझे कुछ नया करने का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इनके बीज निकाले और इनको लगाने की कोशिश की। सबसे पहले मैंने नॉर्मल सॉयल ली और उसमें हल्की सी रेत मिलाई, इसमें कुछ खाद नहीं डाली है, और प्लास्टिक का जो बैग रहता है उसी में मैंने इसे लगाया। मिट्टी को थोड़ा सा पहले गीला कर लिया है और बीज को उनके ऊपर डाल दिया। मेरे पास जितने बीज थे मैंने सारे एक साथ डाल दिए। इनको हम थोड़े थोड़े फैला के भी डाल सकते हैं अगर बड़ी जगह में डालेंगे तो। बरसात हुई थी इसलिए मिट्टी काफ़ी गीली थी, और उसके बाद अगर हल्की मिट्टी से हम इनको ढकेंगे तो पौधे निकलने में ज़्यादा आसानी होती है। ये मिट्टी भी धीरे धीरे सूख जाएगी। इसके ऊपर मैंने मिट्टी को डाल के थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि मिट्टी गीली थी, और छाया में रख दिया। अगर ये निकलेंगे पौधे तो मैं अपडेट्स आपको दूँगी।